चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया कि औरतों को भी जो है आपसे बेजाब में, यानी उनको भी महबूस किया हुआ है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। चीफ साहब ने उसकी भी फहरिस्त मांगी है और टोटल कितने मुकदमात हैं इस वक्त, कितने लोग पाबा सलासल हैं, कितनों को फौजी अदालतों में मुकदमा रेफर किया गया है, कितने सिविलियन साइड पर हैं, ये सारी भी फहरिस्त चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है। अलबत्ता फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नाबालिग लोगों को भी, जुबिनाइल्स को भी पकड़ा हुआ है, तो चीफ साहब ने कहा उसकी फहरिस्त भी जो है दी जाए और फराहम की जाए। आज हमारी इस्तदलाल में ये था कि फौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। इस पर हमने सेर हासिल न सिर्फ ये कि बल्कि वो खुद आयशा मलिक साहबा ने कहा कि ये कैसे कमांडर जो है आकर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को दरख्वास्त देकर, और वो बिना अपने माइंड अप्लाई किए हुए उन्होंने उनकी कस्टडी उनकी जो है मुलजमान की वो फौजियों के हवाले कर दी, और गिल्टी का लफ्ज लिखा हुआ था। और मैंने जब कोर कमांडर्स की प्रेस वो सुनाई, प्रेस ब्रीफिंग, और जब फॉर्मेशन कमांडर्स जो पाकिस्तान के सारे उससे भी ज्यादा इहाता करते हैं, ISPR की प्रेस रिलीज जो है बताई, और वहां उन्होंने लिखा था नाकाबिले शवाहिद, जिनको तरदीद जिनकी नहीं की जा सकती है, हमारे पास मुयसर है, मौजूद है, और ये गुनहगार हैं, इनको मिलिट्री कोर्ट्स में जो है कैफर किरदार तक। तो उसके बाद कोई वजह रह जाती है कि एक कर्नल जो है या एक फौजी अदालत उस कोर कमांडर्स की या आर्मी चीफ के या फॉर्मेशन कमांडर्स के उस डेक्लरेशन को जो उन्होंने फैसला ही गुनहगार का और नाकाबिले तरदीद शवाहिद का और ये कह दिया कि सबूत मौजूद है। तो आज की इस्तदलाल सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने अर्ज किया जो आपने, उन्होंने अबूरी चीजें जो अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाकर कहा और उनसे पूछा, हमने कहा कि स्टे कर दीजिएगा क्योंकि ये सूरत के साथ जो है इस तरह से फैसले कर देते हैं और फिर आप कहेंगे कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया है, जिस तरह महरम अली केस में हुआ या लियाकत अली के केस में हुआ, लियाकत हुसैन के। चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा और उन्होंने कहा कि अभी कोई केस जो है समाप्त नहीं हो रही है, तो इस पर उन्होंने कल के लिए तारीख दी है और कल अब बाकी वकला को भी सुनेंगे। हमारी जो है उन्होंने कहा है कि 9:30 बजे कल शुरू करेंगे और इसको जितनी जल्दी से जल्दी इसको निपटाएंगे, क्योंकि ये आवाम और नास के बुनियादी हकूक का मसाला है जिसमें फौजी अदालतों का क्याम ये दोहरे पैरेलल जुडिशियल सिस्टम के मुतसादिम है, ये बुनियादी हकूक को जो है जख्म देता है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ Article 10A की नफी करता है, ये बैनुल अक्वामी कवानीन की भी नफी करता है, जिसका मैंने उन्हें हवाला दिया और कल उनको किताबचा भी दूंगा जिसमें दुनिया में हमारी जो है रुसवाई हो रही है कि फौजी अदालतें इंसाफ तो क्या इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। तो इसलिए चौधरी साहब से मैं अर्ज करूंगा कि बाकी आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ सही बात सही ठीक है वो मैं सिर्फ ये करीब ठीक है मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज जो सबसे बड़ी कामयाबी हमारी है, आप देखें कि हमने 9 जजेस जो फुल कोर्ट था, इफेक्टिवली फुल कोर्ट था, क्योंकि बाकी जजेस अवेलेबल नहीं है, वो हमने बनवा दिया। अब ये बड़ी, हमें तो इसकी बहुत इत्मीनान था, फैसला इधर का हो उधर का हो, जो फुल कोर्ट को जो लोग कहते रहते थे, जो आप साफी कहते रहते थे, आप में जो तजियाकार हैं वो कहते रहते थे, वो एक पूरी डिमांड थी कि इल्तजा थी कि सारे जज इकट्ठे बैठे, आज वो हो सका। अब उसमें ज़रा हमें इस बात पे कुछ बीच में टेस्ट अच्छी नहीं रही कि दो जज साहबान ने, सीनियर तरीन जज साहबान ने इससे इस बेंच से उठ के चले जाना मुनासिब समझा। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फैजी साहब की और सरदार तारिक मसूद, खोसा साहब ने तो जनाब फैजी साहब को मुबारक भी दी कि वो आज चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हो गए।
मैंने विचार करता हूँ, हमने मिन्नत की कि आप बैठे, 9 जजेस का फैसला एक ज्यादा मजबूत फैसला होता है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके फैसलों को, वो कहते हैं हम बेंच नहीं मानते और तो हम फैसला क्यों माने। ये सारा मसला शुरू ही हुआ है जिस तरह परहना होके ये वुजरा ने खड़े हो गए उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के, अब हमारा करो क्या करते हो, क्या कर सकते हो आप। और जो कि डिवाइड थी, तकसीम थी अदलिया और सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बेबस हो गई। इन्होंने तकरीरें की, जिस किस्म की तकरीरें इन्होंने की, वो जो जलसा लेके आए थे, जुलूस पूरा, मौलाना फजल रहमान और मरियम बीबी, जिस किस्म की तकरीरें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे की, वो कोई सुन नहीं सकता था, पर इन्होंने की। हमने कहा कि आप बैठे, आपसे मोतबर हो जाएगा, ये बेंच आपसे मोतबर होता है। और मैंने तो ये भी कहा कि आपके घर के अंदर अगर तनाजा है, अगर आपका घर के अंदर तनाजा है, आप दुरुस्त तौर पे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना चाहते हैं, उसकी सवाबदीद को कम करना चाहते हैं, बेंचेस बनाने की, केस लगाने की उसकी सवाबदीद, और 3 मेंबर कमेटी चाहते हैं, ये बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करते हैं, पर इस वक्त आप अंदर घर में लड़ रहे हैं और बाहर से हमला हो रहा है, बाहर से हमला हो रहा है, और ये सारा अटैक जो है, इसलिए ये हमारे पास आज फौजी अदालतों का मुकदमा है। और काजी फैज साहब से तो तवक्को थी कि वो इस पे बैठे रहेंगे, और फौजी अदालतों का एक बड़ा ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये एक बुनियादी मसला है, ये एक रियासत के स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के मुताबिक के बारे में ये मसला है। हमने तो मिन्नत की, खोसा साहब ने भी मिन्नत की, उनको मुबारक देने के अलावा, पर वो नहीं माने, और हमें इसका ज़रा अफसोस है। मान जाते, 9 जज बैठे होते, 9 जजेस में से हमारी चाहे अकलियत निकले, क्योंकि ये दोनों जज तारिक मसूद साहब और फैज ईसा साहब तो समझे जाते हैं उर्फ आम में कि ये चीफ जस्टिस के खिलाफ हैं। मैं और खोसा, हम चीफ जस्टिस को ताकतवर देखना चाहते हैं बैरूनी अनासर के मुताबिक, पर अंदरूनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम चीफ जस्टिस से बहुत सारे इख्तियारात कम करने के बहुत पहले से, मैं 20 साल से हम कह रहे हैं कि 1843 की अपील होनी चाहिए, ये अपील ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात, पर वो अपील होगी आईनी तरमीम के जरिए, आईनी तरमीम के जरिए, उसको मैं इसमें ज़्यादा नहीं चाहता। पर बहरहाल आज हम बड़े मुतमईन हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने जो आखिरी पॉइंट्स में कहा कि जो इनसे फौजी अदालतों की हैयत भी सामने आ जाती है, कि उन्होंने कहा कि विदाउट रीजंस इन्होंने फैसला देना है, गिल्टी नॉट गिल्टी, और इनके जो फौजी अदालत सीक्रेट प्लेस में भी हो सकते हैं, पता नहीं हो भी गए कि नहीं हो गए, और वकील इसमें चाहे पेश होना हो, ये अदालत कैसी है। उन्होंने पॉइंट्स रेज किए चीफ जस्टिस साहब ने आज, कल हम समझते हैं क्योंकि फिर छुट्टियाँ ईद की भी आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी छुट्टियां हो गई हैं, कि कल उम्मीद है हमें कि कोई अबूरी फैसला आ जाएगा, पर ये अदालत में और उसकी कार्रवाई पे देखें। वॉल ऑफ शेम जो है, वो वॉल ऑफ फेम बनेगा।